सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू डिफरेंशिएट एक्स अपॉन में साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू, हमें डिफरेंशिएट करना है इसको साइन एक्स के रिस्पेक्ट में. ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है और आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन. ओके, तो आपको पता है कि जब कभी भी आप लोगों के पास कोई फंक्शन हो जिसको आपको डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, देन हम लेक्चर वीडियोज़ में सीखा था कि आप इस फंक्शन को मान लेंगे यू और इस फंक्शन को मान लेंगे आप लोग वी, एंड हम लोगों को मेनली फाइंड करना होता है डी यू ओवर डी वी को. ओके, सो इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा डी यू ओवर डी एक्स को, एंड देन हमें फाइंड करना पड़ेगा डी वी ओवर डी एक्स को, एंड बाई यूजिंग दीज टू वैल्यूज हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं डी यू ओवर डी वी को भी. ओके, सो देखिए आपके पास क्या क्या है यहाँ पे. तो आपके पास मेनली यहाँ पे दो फंक्शंस गिवन है, तो हम पहले बोल देते हैं यहाँ पे लेट यू इज इक्वल्स टू दिस फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स अपॉन में साइन एक्स, एंड वी इज इक्वल्स टू आप लोग ज़ूम कर लीजिए सेकेंड फंक्शन यानी कि ये है आपके पास साइन एक्स. ओके, मैम आपको दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ दी फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल है. तो विद रिस्पेक्ट टू आपने कर दिया इसको डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में. सो देखिए आपके पास क्या चीज़ आएगी, ये हो जाएगा आपके पास डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन यानी कि एक्स अपॉन में साइन एक्स, एंड यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, ये आपके पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपल साइन एक्स. ओके, सो आपका यहाँ पे अप्लाई हो सकता है क्वेश्चन रूल, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन रूल को अप्लाई कीजिए. ये हो जाएगा आपके पास डी यू ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन रूल आपसे बोलता है कि यहाँ पे आती है आपके पास डिनोमीटर की होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स. नाउ आपको करना होता है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमीटर एज इट इज़ माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट डिनोमिनेटर. ओके, एंड यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप बोल सकते डायरेक्टली ये तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाएगा आप लोगों का डी वी ओवर डी एक्स, जो आपके पास आएगा वो आएगा साइन का डिफरेंशिएशन आपका होता है कॉस, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स. ओके, नाउ ये आपके पास हो जाएगा कितना डी यू ओवर डी एक्स जो आपके पास ऑप्टेन होके आएगा, इसको आप बोल सकते हैं ये आपके पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपके पास हो जाएगा वन, एंड देन साइन एक्स आपके पास रहेगा एज इट इज़, माइनस में एक्स आपके पास रहेगा एज इट इज़, एंड साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा कॉस एंड एक्स. ओके, नाउ आपको पता है वन इन टू में कुछ भी लिखा हुआ हो तो वही चीज़ आपके पास आती है, तो वन यहाँ से हटा दें आप लोग. देखिए आपके पास डी यू ओवर डी एक्स भी आ चुका है और आपके पास डी वी ओवर डी एक्स भी आ चुका है. नाउ आपको फाइंड करना है डी यू ओवर डी वी को. ओके, सो इसके लिए आप लिखेंगे नाउ डी यू ओवर डी वी, देखिए आपके पास कितना आ जाएगा. सो ये आ जाएगा आपके पास डी यू ओवर डी एक्स एंड देन डिवाइडेड बाई डी वी ओवर डी एक्स. ओके, सो देखिए आपके पास डी यू ओवर डी एक्स आपके पास ये पूरी चीज़ है, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स एंड देन माइनस में एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, आप इसको बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स. ओके, एंड देन होल डिवाइडेड बाई आपके पास डी वी ओवर डी एक्स आया है सिंपल कॉस एक्स, तो आप लिख देंगे यहाँ पे कॉस एक्स. ओके, सो आप इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस में एक्स कॉस एक्स एंड देन डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, एंड देन इनटू में आप इसको बोल सकते हैं वन अपॉन में व्हाट कॉस एक्स. ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा कितना, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि डी यू ओवर डी वी जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस में एक्स कॉस एक्स एंड देन डिवाइडेड बाई आप इसको बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इनटू में व्हाट कॉस एक्स. नाउ आपको पता है कि जब कभी भी लेट से आपके पास लिखा हुआ है कुछ ऐसा ए प्लस बी अपॉन सी, तो आप इसको बोल सकते हैं ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, अगर यहाँ माइनस लगाए तो आप यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं. ओके, सो देखिए आप इस चीज़ को बोल सकते हैं ऐसे कि ये अपॉन में ये पूरा एंड देन माइनस में ये अपॉन में अगेन ये पूरा. ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास डी यू ओवर डी वी जो आपके पास आएगा वो हो जाएगा आपके पास साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स एंड देन माइनस में एक्स कॉस एक्स एंड देन डिवाइडेड बाई वॉट साइन स्क्वायर एक्स एंड देन व्हाट इनटू में आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस एक्स. नाउ आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ों को कटअप भी कर सकते हैं, या तो चीज़ों को आप लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर आप लोग कॉट कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या आपके विषय देखिए मैं कैसे करता हूँ इस सवाल को. तो यहाँ पे आपके पास ये साइन से ये साइन स्क्वायर कट सकता है एंड देन यहाँ पे आपके पास ये कॉस एक्स से ये कॉस एक्स भी कट सकता है. ओके, सो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डी यू ओवर डी वी इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा आपके पास वन अपॉन में व्हाट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. यहाँ पे एक्चुअल में आपके पास बहुत सारे आंसर आते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप लोग किस चीज़ को समझ के कर रहे हैं वहाँ पे. ओके, एंड देन माइनस में ये हो जाएगा आपके पास एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, तो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं ऐसे भी
डी यू ओवर डी वी जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा वन अपॉन में साइन आपके पास होता है कोसेक, सो ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू वन अपॉन में कॉस आपके पास होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक एक्स एंड देन माइनस में एक्स टाइम्स ऑफ वॉट वन अपॉन में साइन स्क्वायर आपके पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके सो मेरी तरफ से ये इसका आंसर है, आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं ऐसे भी, ध्यान से देखिए कैसे, आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि साइन अपॉन में कॉस जो आपके पास होगा वो हो जाएगा टेन, तो ये हो जाएगा टेन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स एंड देन कॉस अपॉन में आप चाहें तो इसका एक साइन ले सकते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपके पास कॉट, सिमिलरली आप चेंजेस यहाँ भी कर सकते हैं। ओके सो मेरी तरफ से ये आंसर आया है, आप चाहें तो इसके अलग अलग वेरियंट्स भी निकाल सकते हैं। ओके सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एनालाइज कर लें। ओके